ग्राम पंचायत सराईपाली जो एक आदिवासी ब्लॉक है और इस क्षेत्र में 2005-06 में एक 35 लाख लागत की टंकी बनाई गई थी जिसमें लोगों को सही समय पर पानी नहीं मिल पा रहा था, या यूं कहें कि 35 लाख की टंकी पूरे 6 महीने साल भर या पूरे साल में 35 मिनट भी नहीं चली थी। पानी का बहुत ज़्यादा मैंने खपत है, पानी के लिए हमारे गांव में सारे पब्लिक लोगों को परेशानी हो रहा है। हमें आशा था कि पानी जो है हमको पर्याप्त रूप में मिल जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से बना हुआ है टंकी वैसे ही पड़ा हुआ है, कभी पानी भरता है कभी नहीं भरता है, और उस योजना से हमको अब तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो को ले जाकर सारे अधिकारियों से मिले। इसका लोगों ने कई बार जनदर्शन में, कलेक्टर जनदर्शन में, मुख्यमंत्री विकास यात्रा में तथा अन्य कई जगह इसका आवेदन दे चुके थे। इसके बावजूद भी इस टंकी का किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हो रहा था। तब जाकर लगभग 1-1.5 साल के प्रयत्न के बाद आज गांव में पानी की अच्छी व्यवस्था है और आज लोग अच्छा पानी पी पा रहे हैं। अभी का समस्या ठीक है पानी का। अभी सुबह चल रहा है 1 घंटा, सब कोई पानी भर लेते हैं, 3 टाइम आराम से चल जाता है पानी का। और अभी कोई उतना समस्या भी नहीं है। वीडियो वाले इंजीनियर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो लोग पहले आए और क्या समस्या है नहीं है वो लोग बोले, तो हम लोग खुल के बोले उनके सामने, तो ये समस्या खत्म हुआ। क्या है, हमारे गांव में भी है राजेश गुप्ता, सराईपाली से है। उनके माध्यम से हम लोग ऊपर तक आगे गए, उन्होंने हमको अच्छा मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के साथ में हम लोग आगे तक हमको लेके गए, जहाँ जहाँ जाना है सभी पीएचई को गए उनके साथ में। उन्होंने हमारे साथ में रहकर पानी की समस्याओं के संबंध में अफसर लोगों को अवगत कराया और उनका विशेष योगदान रहा इस कार्य में। और गांव की समस्या को देखते हुए उन्होंने पूरे गांव के पाइपलाइंस को चेंज करवाया, यहां एक बोरवेल का खनन करवाया और आज सफलतापूर्वक पानी की व्यवस्था हो पा रही है, लोग संतुष्ट हैं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।